An equation is nothing to me unless it expresses the thought of God. Jahin, ये लाइन थी श्री निवास रामानुजन जी की. आज हम उनकी थोड़ी बायोग्राफी देखेंगे शॉर्ट में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. बचपन में आपने इनका एक फैक्ट सुना होगा कि इनके टीचर ने बोला कि भाई व्हेन फाइव स्टूडेंट्स आर देयर एंड फाइव एप्पल्स आर देयर देन ईच स्टूडेंट गेट वन एप्पल. मतलब अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो अपने पास एक आता है. लेकिन रामानुजन सर खड़े हुए बोले सर मेरे को डाउट है. बोला क्या डाउट है. कहा कि भाई व्हेन नथिंग इज डिवाइडेड बाय नथिंग देन आल्सो कैन वी गेट वन. मतलब क्या है इसका. मतलब क्या है इसका. मतलब है व्हेन जीरो डिवाइड बाय जीरो कैन देन वी आल्सो गेट वन. तो इसका आंसर सर के पास नहीं था. क्यों नहीं था. क्योंकि बाद में पता चला दीज फॉर्म्स आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म. मतलब जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, वन बाय जीरो एंड एनीथिंग के ए टू द पावर इन्फिनिटी, दीज टर्म्स आर लाइक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है. दरअसल 2012 में जब अपने पूर्व के पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी वहां पर गए, मद्रास यूनिवर्सिटी में गए, तब उन्होंने डिक्लेयर किया रामानुजन सर की बर्थ एनिवर्सरी को एज ए नेशनल मैथमेटिक्स डे. आपको एक बात बताता हूँ, अच्छी भी लगेगी और बुरी भी लगेगी. कैसे. देखो इनके ऊपर एक मूवी बनी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ए मैन हू न्यू इन्फिनिटी. 2015 में मूवी बनी थी. तो इस मूवी को बॉलीवुड ने नहीं बनाया, ये तो मुझे बुरा लगा. और इस मूवी को हॉलीवुड ने बनाया, ये मुझे अच्छा लगा. अब एक और चीज मुझे अच्छी लगी, जहां पर श्रीनिवास रामानुजन जी और मिस्टर हार्डी ने ये इक्वेशन अपने लिखी थी और जहां पर जाके उन्होंने अपनी बुक्स को पब्लिश किया था रामानुजन सर ने, वहीं पर इनकी मूवी बनी ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज लंदन में. तो अच्छी बात लगी मुझे. दरअसल अपने देश में ना गैंगस्टर्स पे मूवी बन जाती है, क्रिकेटर्स पे मूवी बन जाती है, पॉलिटिशियंस पे मूवी बन जाती है और तो फिल्म हीरोज के ऊपर भी मूवी बन जाती है. लेकिन ऐसे ग्रेट जीनियस पे ना बने ना तो बुरा लगता है. मतलब भारत रत्न में अभी तक इनको नहीं मिला. इस देश में अभी कुछ साल पहले फेमस हुए, 5 या 10 साल पहले फेमस हुए टी नटराजन पर मूवी बन सकती है, तो इन पर क्यों नहीं बन सकती है. तो 100 साल पहले फेमस हो चुके थे पूरे वर्ल्ड में. 1912 में इनको एक जॉब लगी क्लर्क की चेन्नई मैथमेटिकल सर्कल पे. तो तब ये मतलब 20 रुपए पर मंथ के कमाते थे. तब वहां पर इन्होंने एक लेटर लिखा मिस्टर हार्डी को, मिस्टर हार्डी प्रोफेसर हार्डी जो लंदन में कि कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे. तो उन्होंने जब इनका काम देखा ना, मतलब उसी साल 1913 में ही इनको बुला लिया कि भाई तू आजा, हम दोनों कोलैबोरेशन करके मैथमेटिक्स पर इन्वेंशन करेंगे, डिस्कवरीज करेंगे. और 1914 में वहां पर पहुंच गए थे. और 3 साल बाद ही इनको 1917 में लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया. अगले ही साल 1918 में इनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी चुना गया. ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, ये मतलब वर्ल्ड वाइड में जब कोई बड़े इन्वेंशन होते हैं ना तब ऐसे इनको मेंबर बनाया जाता है. जब मैं इनकी मूवी देख रहा था तब मुझे एक बड़ा अच्छा एक सीन दिखा कि जब ये गए ना वहां पर, तो मिस्टर लिटिलवुड, ये भी मैथ्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इनको रिसीव किया वहां पर और बताया देखो वो रहा वो पेट जहां पर न्यूटन के सर के ऊपर वो एप्पल गिरा था और उन्होंने डिस्कवर किया था ग्रेविटी को. तो बड़ी खुशी हुई इनके चेहरे पर. मतलब न्यूटन, जैकोबी, यूलर, इनको ये बहुत ज्यादा मानते थे. ये जब वहां पर पहुंचे तो इनको दरअसल कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था इनके फॉर्मूले को, इनकी थियोरम्स को. सिर्फ तीन मैथमेटिशियंस के अलावा, फर्स्ट थे अपने प्रोफेसर जी एच हार्डी, सेकंड थे जॉन लिटिलवुड एंड थर्ड थे ब्रेंडन रसल. दरअसल ब्रेंडन रसल जो है ना, इनका भी बड़ा मस्त केस है. मस्त होता कि अगर आपसे कोई पूछे 1+1 क्या होता है तो आप बोलोगे 2, है ना. और 1+1 तो एक बच्चा भी ऐसे यो करके बोलेगा दैट इज 2. लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, 1+1 को प्रूफ, 1+1 = 2, प्रूफ कैसे होगा, दोनों कैसे प्रूफ होगा. लेकिन एक्चुअली इन्होंने इसको प्रूफ किया है. वो मैं आपको कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे प्रूफ किया था इन्होंने. मतलब फंडामेंटली हम किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं ना, तो उसके पीछे मैथमेटिक्स का ही हाथ होता है. इनके इंडियन होने की वजह से ना, इनको एक बार मारा भी गया था उधर लंदन में. इनको वोग कहकर बुलाया जाता है. दरअसल वोग का मतलब होता है कि नॉट व्हाइट. वोग का मतलब ब्लैक नहीं, नॉट व्हाइट मतलब सांवला होना, थोड़ा सा डार्क होना. तो इसी की वजह से इनको वहां पर मारा गया था एक बार पुलिस के जरिए. और आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो भी फॉर्मूले थ्योरम देते थे ना, उसका प्रूफ नहीं देते थे स्टार्टिंग में. बस सीधा का सीधा क्या करते थे, थ्योरम लिखते थे और उसका सॉल्यूशन आंसर लिखते थे. मतलब दिस इक्वल टू दिस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और उसका सॉल्यूशन देते थे. और जब उसको चेक किया जाता था बाय नंबर्स, उसको पुट करके देखा जाता था, तो यस इट इज करेक्ट. जैसे कि ये इक्वेशन है एन वाली, जो ये जो भी आपको इतनी बड़ी दिख रही है. तो इसमें आप अगर मतलब अच्छा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ट्राई कीजिए इसको, जरूर ट्राई कीजिए प्रूफ करने की. नहीं तो आप इसमें इंटीजर्स 1, 2 रख के आप देख सकते हो आंसर. मैंने चेक किया, इसको आंसर आ रहा है.
दोनों के LHS और RHS सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें? इफ यू कैन एबल टू डू देन डू इट। 1919 से इनको मतलब बहुत तबीयत इनकी खराब होने लग गई थी, क्योंकि दरअसल जो इंग्लैंड था वहां पर उतना वेजिटेरियन लोग थे नहीं और नॉन वेजिटेरियन थे, तो उसी कारण, और ये थे पूरे पक्के ब्राह्मण थे, तो भक्त थे भगवान के, नामक इनके भगवान थे जो इनको इक्वेशन बताते थे, तो उसी की वजह से इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ और बाद में ये इंडिया चले गए और 1920 में इनकी डेथ हुई थी। रामानुजन सर के बारे में जॉन लिटलवुड ने कहा कि भाई एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द रामानुजन पर्सनल फ्रेंड। मतलब जॉन लिटलवुड सर ने कहा कि जो हर एक इंटीजर होता है, मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कोई सा भी नंबर, रामानुजन का पर्सनल फ्रेंड है। और रामानुजन सर की डेथ के 27 साल बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर हार्डी से पूछा गया कि आपने सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या दिया है मैथ में, तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है रामानुजन को डिस्कवर करके और उसके साथ कोलैबोरेशन करके। मतलब रामानुजन सर की डेथ हुई थी, उसके बाद ये इतने डिप्रेस हो गए थे कि एक बार इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी करने की कोशिश की थी। इन दोनों का रिलेशन एक ऐसा जैसे ब्रोमेंस का जैसे बताया, मतलब बहुत ही प्यारे भाई वैसे बताया गया इनके। ब्रोमेंस का मतलब होता है बहुत ही अच्छे दोस्त, भाई जैसा कुछ, ब्रो बोले तो भाई है ना। और चौक एंड चीज इनका एक वो भी था कि ये दोनों चौक एंड चीज है लेकिन फिर भी टुगेदर है, फिर भी साथ है। कैसे? चौक एंड चीज का मतलब ये होता है कि दोनों अलग है, पूरी तरीके से अलग है, एक पूरा का पूरा नास्तिक और दूसरा पूरा का पूरा आस्तिक। मतलब रामानुजन सर थे वो तो प्योर ब्राह्मण थे और जो हार्डी सर थे वो प्योर नॉन वेजिटेरियन थे, नास्तिक थे एक तरीके से। और अब देखते हैं इनका मैथ्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने क्या क्या दिया। देखो सबसे पहला इनफाइनाइट सीरीज आपको मालूम होगा, फिर दूसरा इनका था प्राइम नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी, रेडिकल्स, क्यूबिक और क्वार्टिक। क्वार्टिक मतलब होता है 4, जिसकी पावर 4 होती है, 8 to the power 4। हाँ, उनको कैसे सोल्व करें वो इन्होंने दिया। और फिर इन्होंने हाइपरजोमेट्रिक सीरीज दी, इन्होंने बर्नौली थ्योरी के ऊपर, बर्नौली नंबर था, बर्नौली थ्योरी के ऊपर इन्होंने वापस इन्वेस्टिगेशन की। और जेटा फंक्शन, इलेप्टिकल इंटीग्रल फंक्शन, इन चीजों पर इन्होंने रिसर्च किया और उनके बारे में दिया। दरअसल बता दूं आपको मालूम होगा टैक्सी कैब नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर, ये देखो 1729, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज रिप्रेजेंट, विच कैन रिप्रेजेंट इन द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ टू नंबर्स का क्यूब। मतलब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, पहला 12q+1³ एंड दूसरा 9q+10³। मालूम होगा प्राइम नंबर थ्योरी क्या होती है, मतलब जो फॉर एग्जांपल एक प्राइम नंबर है, कोई सा प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये जो नंबर है प्राइम नंबर, लेकिन आप कब तक इसको बोलोगे, ज्यादा ज्यादा 100 तक बोलोगे, 150 तक बोलोगे, उसके बाद कैसे बोलोगे? इसके लिए रामानुजन सर ने एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला था 6n+-1। अब इस फॉर्मूले में क्या था, देखो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हाँ इसमें एक चीज है कि इससे आप 2 and 3 जनरेट नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कोई सा भी प्राइम नंबर जनरेट कर सकते हो। समटाइम्स आपको प्लस यूज करना पड़ेगा, समटाइम्स माइनस यूज करना पड़ेगा, और समटाइम्स दोनों यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे n इज इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो 17 and 19 आता है। आप इससे हायर नंबर भी फाइंड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू अगर मैं 20 लेता हूँ तो अपना क्या आएगा, 6 into 20, 120, 120+-1, तो प्लस अगर लोगे तो 121 आ जाएगा, दैट इज 11 का स्क्वायर, तो हमें माइनस लेना है, मतलब 119 जो प्राइम नंबर है। तो कुछ केसेस में मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन कभी क्या करना पड़ता है, कभी प्लस लेना पड़ता है, कभी माइनस लेना पड़ता है। दरअसल आपको पता होगा पाई की वैल्यू होती है 3.14। हाँ, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ना पाई को फाइंड करने के लिए, सॉरी 1/पाई को फाइंड करने के लिए एक समेशन बनाया, जो अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो करिए, मेरे से तो नहीं हुआ, आप ट्राई कीजिए, आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। हाँ, दूसरा ये देखिए, ये दूसरा है 2n-7 = x², इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने कुछ नंबर्स बताए, आपको नेक्स्ट नंबर्स फाइंड करने हैं। ये जो भी नंबर्स है ना, व्हेन आप अगर आप n की वैल्यू 4 रखते हो, 5 रखते हो ना, तब आपको एक x जो है वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, आपको नेक्स्ट नंबर्स फाइंड करने हैं। दरअसल ये वाला सवाल देखिए, इसमें आंसर क्या है, देखो x^y = y/x, और ये जो JIMS का मतलब है, जनरल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, सर ने पहले से ही, रामानुजन सर ने पहले से ये दे रखा है x = 4 and y = 2, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरा एग्जांपल है x = 27/8 और y = 9/4। अब देखो उसमें लास्ट में आपको एक लाइन दिख रही होगी, पुट x = ky एंड फॉलो दैट, बस हमने भी वही किया और अपना आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट पेज पे, अब देखो फॉर अपने को पढ़ना क्या है, फॉर मोर वैल्यूज x और y की मोर वैल्यू से फाइंड करनी है, जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए अपनी इक्वेशन, x = y / x हो जाए। हाँ, तो देखो ये अपन को ये इक्वेशन दे रखी थी, बोला था फॉलो करने के लिए x = ky, बस वही फॉलो किया और उसको सब्स्टिट्यूट करके उसको ठीक से अप्लाई करने के बाद अपने को ये इक्वेशन मिली, जिसको हम पावर से डिवाइड करते हैं, पावर डिवाइडेड बाय y फ्रॉम बोथ साइड्स, तो अपने को मिलती है k = y^k-1। और फिर नेक्स्ट में देखो, अब नेक्स्ट पेज में देखो, ये आपको दिख रहा होगा, आप एक ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो वहाँ पे आपको देखेगा k = 2, और सेकंड में आपको सेकंड एग्जांपल में k = 3/2 एक्स और वाई के रिलेशंस में। अब देखो अभी कैसे आएगी, देखो इसमें अगर हम पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट k = 1+1/n, अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं, सॉरी n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो अपने फर्स्ट 2 आता है, और लेकिन उसके बाद अगर
इससे क्या हो रहा है, इससे अपने को पता चला, देखो पिछले पेज में ही, ये देखो x इज इक्वल टू 3/2y, सेकंड एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल x इज इक्वल टू 2y। देखो अपने को 4 के की तीसरी वैल्यू अपने पास आई, ये 4/3 और फिफ्थ वैल्यू आई, फोर्थ वैल्यू आई 5/4। तो अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो अपने पास एक और इक्वेशन, जब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर, और फिर वापस अगेन एक्स की वैल्यू, एक्स की इक्वेशन को यहाँ पर पुट करने के बाद अपने को मिलेगी ये लास्ट में ये, और फिर बहुत सारे क्यूब करना है आंसर आ जाएगा वाई, और एक्स की वैल्यू आप यू विल गेट इट। और अगर आपको और फाइंड करना है तो अगेन वाई की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू। रामानुजन सर ने इनको लेटर भेजा था ना मिस्टर हार्डी को, तब इन्होंने 11 पेजेस के कुछ थ्योरम्स प्रूफ अपनी थ्योरीज भेजी थी, वो ये 11 पेजेस है। ये आप 3 पेज आपको दिखा देता हूँ, ये 1, ये 2 एंड ये 3। अगले जो पेजेस होंगे, अगले जो पेज हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। बड़ी मुश्किल से मिला है ये PDF, बड़े मशक्कत के बाद बहुत ही सर्च करना पड़ा इंटरनेट पे। आपके लिए इतना ही, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इनके क्वेश्चंस उठाऊंगा, थ्योरम्स उठाऊंगा जिनको हम देखेंगे, मतलब एक्सेक्ट JEE लेवल के हैं ये क्वेश्चंस, मतलब JEE एडवांस बोल सकते हो, JEE मेंस से थोड़ा ऊपर है, बहुत थोड़ा बहुत ऊपर है। तो अगर आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, और आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी करीबन 1 या 2 दिन में। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।